तो यहाँ मैं बना ये मैंने कुछ सामान ले लिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पान लड्डू, जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं पान फ्लेवर के। यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा ले लिया है, या आप बोल सकते हैं नारियल का पाउडर ले लिया है। 200 ही ग्राम मैंने यहाँ पर मिल्क मेड लिया हुआ है। यहाँ एक बड़ा चम्मच भर के मैंने गुलकंद लिया था, और इसमें बारीक बारीक जो भी आपको ड्राई फ्रूट चाहिए या किशमिश चाहिए आप मिक्स कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़ी सी सौंफ भी मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल पान वाला टेस्ट। साथ ही मुझे मैंने यहाँ पर 2 से 3 पान के पत्ते लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 ही लेना है, और बिल्कुल आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, क्योंकि पान से तो इतना ग्रीन कलर आएगा नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक ग्राइंडर ले लिया है मैंने, यहाँ पर मैं ये पान के पत्ते को अच्छे से तोड़कर इस मिक्सी जार में डाल रही हूँ, और ये पूरा 200 ग्राम का जो केन है ये पूरा मिल्क मेड का इसमें जाएगा, और आपको इसको बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट में बदल देना। आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, मिल्क मेड में ही इतनी सफिशेंट मात्रा में मिठास होती है कि आपको चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा भी मीठे ये लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अच्छे से पूरा केन पोंछ कर ये मिल्क मेड ले लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 राउंड मिक्सी चलाऊंगी, जिससे एक अच्छी सी प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पिस चुका है। पान के पत्ते पूरी तरीके से तो कम्प्लीटली नहीं पिसते हैं, इसमें हल्का हल्का सा दाना रह जाता है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी दिखने में अच्छा लगता है। अब मुझे क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, और इस पे मैं सिर्फ 1 चम्मच घी डालूंगी। बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आप 1 चम्मच घी डालें, और इस नारियल के बूरे को बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें इसे एक अच्छा सा क्रंच आ जाए बस। और जैसे ही आपको दिखे कि इसका हल्का हल्का सा नीचे से कलर चेंज होने लगा है, तब आप इस स्टेज पे ये मिल्क मेड और जो पान का आपने पेस्ट बनाया था ये मिला देंगे। ध्यान रखें जो गैस है वो बिल्कुल धीमी होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी तेज हुई तो जो नारियल है वो नीचे से जलने लगेगा, और नारियल बहुत ही जल्दी लगता है नीचे तली पे। जैसे ही आप इसमें मिल्क मेड वाला मिक्सचर डालेंगे ना, आपको तुरंत इसे गैस से हटाकर और फिर जल्दी जल्दी मिक्स करना है। और इसी स्टेज पे मैं ये ग्रीन फूड कलर शामिल करूंगी, जिससे अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाए। पहले मैंने 2 ही ड्रॉप डाला है, अगर फिर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं और डाल दूंगी, वैसे 2 ड्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैंने इसे देख सकते हैं हाथों से अपने अच्छे से मसल मसल के मिला लिया है, जिससे ये सारा कलर बहुत अच्छा आया है। 1 ड्रॉप के करीब मैंने कलर और डाला था, मुझे कम लग रहा था, तो क्योंकि जो एकदम हरा पान वाला कलर है ना वो आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स लूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े तो लड्डू नहीं बनाने हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स लूँगी मैं इसकी, इसे गोल गोल करूँगी, और इसे बीच से दबा कर ये गुलकंद वाला मिक्सचर डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ही डालिए। बस इतना, और फिर इसे अच्छी तरीके से कवर करके आपको इसे गोल गोल कर लेना है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी। और जब ये अच्छे तरीके से इस तरीके से गोल हो जाए ना, तो मैं क्या करूँगी कि ये सूखा जो नारियल है
इस पे इसे एक बार घुमा दूंगी और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं ये सारे लड्डू बना लेने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लड्डू बन रहे हैं ये। बिल्कुल जब आप किसी को अपनी थाली में सर्व करेंगे ना, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि ये आपने बनाए हैं। तो इस बार दिवाली में कुछ डिफरेंट बनाइए, डिफरेंट खाइए और डिफरेंट खिलाइए। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिए अपने दोस्तों से। और अगर मुझसे कुछ छूट गया है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय से वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए और मुझे भी शेयर कीजिए। यहाँ पर अगर आपने गुलकंद अच्छी क्वालिटी का लिया है ना, तो आपको किसी भी रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसेंस के साथ। गुलकंद में ही पर्याप्त खुशबू और एसेंस होता है। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का गुलकंद नहीं लिया है तो आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें डालना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों को जैसे गुलकंद पसंद नहीं है तो जो पान मसाला आता है, पान का एक मिठाई वाला मसाला आता है जिसमें सारे तरीके के सौंफ और अलग अलग तरीके की चटनियाँ होती हैं, तो वो वाली स्टफिंग भी आप भर सकते हैं। नहीं तो सिंपल टूटी फ्रूटी सौंफ की स्टफिंग भी भर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन जो ऑथेंटिक पान लड्डू बनते हैं ना, वो इसी तरीके से बनते हैं, गुलकंद की स्टफिंग से। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे बने हैं ये।